मेरी बेटी छत से गिरी, हम उसके पीछे भागे, यानी कि छत से वो नीचे मंजिल पे गिरी, ठीक है, हम उसके पीछे भागे, जब हम नीचे गए तो वो उठ के चल रही थी और सीढ़ियां ऊपर चढ़ के आ रही। सुबह दस्तरखान पे बैठे थे, ईद का दूसरा दिन था, बकरा ईद का, तो वो मुझे कहने लगे चाचू एक बात कहूं। मैंने कहा जी बोलो। कहने लगा आपके इस कमरे में ना कोई इशू है, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद है कि वो जो मुझसे बात कर रहा है और बच्ची में हाजिर है, वो अभी सुना सकते हैं आप? वो उसने आके हमारा दरवाजा बजाया, मेरा बड़ा भाई नीचे गया, उसने कहा कि भाई तुम्हें समझ नहीं आ रही। मेरे भाई ने कहा क्या हुआ? कि तुम्हारे इस घर में जिन्नात है, तेरे भाई को वो रहने नहीं दे रहे, पसंद नहीं कर रहे, इतने ज्यादा तादाद में थे कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। और उनके जो हुलिये थे ना, जो माई झूला बनाती ना चार भाई के साथ, उसमें नहीं लिटा सकते। जिस वक्त हम उसको झूले में लिटाते थे, वो ऐसी चीखे मारता था। फायदा भी पहुंचाते हैं कि नहीं? फायदा भी पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं? इनसे दोस्ती कैसे करनी है? ठीक है, जिन्नों से दोस्ती? जिन्नों से दोस्ती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैंने कहा छोड़ दो बच्ची की जान। उसने कहा नहीं, मैं जान नहीं छोड़ सकता, मुझे पसंद है। अच्छा। तो मैंने कहा फिर कोई और हल करना पड़ेगा। तो उसने कहा आपको कोई और ही हल करना पड़ेगा, वरना मैं जान नहीं छोड़ूंगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है, जब मुझे पता चला, मौलवी हजरात मुझे बताना शुरू है कि इस घर में ये मामला है, ठीक, तो मुझे ऐसा होता था फील कि जैसे मेरे कमरे के बाहर से कोई गुजर के गया, तो जब मैं देखता था कुछ भी नहीं होता था। अच्छा। फिर अचानक बैठे बैठे ना शदीद किस्म की बू आती थी, ऐसी बू जो मैंने पहले कभी कहीं सूंघी ही नहीं। और जब मैं उस आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू करता था तो थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाती। उस घर में मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मैं शावर में नहा रहा होता था। अच्छा। तो पानी आना बंद हो जाता था, मैं आवाज देता था वाइफ को कि नीचे मोटर चला दो, पानी नहीं आ रहा शावर में। तो वो बताती थी पानी ओवरफ्लो होके बाहर गिर रहा है टैंकी से, शावर में पानी नहीं आ रहा। अच्छा। अब बाज़ औक़ात फिर ऐसा होता था कि जब मैं बाहर निकल आता था तो शावर दोबारा चल पड़ता था, या रात को मैं, जैसे मैं डायबिटिक हूं, मैं रात को उठ के जाता था वॉशरूम, कभी 3 बजे कभी 2 बजे, तो वॉशरूम अंदर से लॉक होता था, फिर उसको चाबी से खोलना पड़ता था। तो मेरे बच्चे इतने छोटे थे कि वो ये काम नहीं कर सकते, और रात को जब हम सो गए तो फिर तो बच्चे भी सो गए। उसी घर में ऐसा भी हुआ कि मेरी बेटी छत से गिरी, हम उसके पीछे भागे, यानी कि छत से वो नीचे मंजिल पे गिरी, ठीक है, हम उसके पीछे भागे, जब हम नीचे गए तो वो उठ के चल रही थी और सीढ़ियां ऊपर चढ़ के आ रही थी, तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, कोई चोट नहीं लगी। मेरे भतीजे आए बकरा ईद के दिन, उस जिस पोर्शन में मैं था उसमें 2 कमरे थे, एक कमरा मैं यूज कर रहा था एज अ बेडरूम और एक मैंने रखा था एज अ ड्राइंग रूम, ठीक है। तो मेरे 2 भतीजे आए रावलपिंडी से, उन्होंने कहा चाचू हम लाहौर घूमने आए हैं तो आपके पास रुकेंगे। मैंने कहा रुक जाएं आप, सामने वाला जो मेरा वो ड्राइंग रूम का कमरा था वो मैंने उनको रहने के लिए दे दिया। अब सुबह दस्तरखान पर बैठे थे, ईद का दूसरा दिन था, बकरा ईद का, तो वो मुझे कहने लगे चाचू एक बात कहूं। मैंने कहा जी बोलो। कहने लगा आपके इस कमरे में ना कोई इशू है। अच्छा। मैं हंसने लगा, मैंने कहा क्या इशू है? कहने लगा यहाँ ना असरात है। तो मैं उसकी बात पे ना बड़ा जोर से कहका लगा के, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता यार, इन चीज ये चीजें नहीं होती। अभी मैं ये बात कर रहा था कि ऊपर जो पंखा चल रहा था ना वो टूटा है। अच्छा। और वो आके लगा मेरे इधर, ये देखें आप। अच्छा। इंसान नजर आ रहा। हाँ हाँ। उसके बाद मुझे होश नहीं था, जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। ये बात आपने जब की फौरन पंखा गिर गया। अभी मैं कह ही रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता तो ये सारा मामला हुआ। अच्छा, पंखा ऐसे गिरा कि जो हुक था वो ही सीधा हो गया, हालांकि आप पंखे के ऊपर लटक जाएं वो सीधा नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन वो उस वक्त सीधा हो गया। हमारे उसी मोहल्ले में एक आदमी रहता था, वो आपने देखा होगा पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी दाढ़ी मूछें वगैरह कुछ नहीं होती, वो औरतों की तरह उनकी आवाज भी होती है, ठीक है। वो उसने आके हमारा दरवाजा बजाया, मेरा बड़ा भाई नीचे गया, उसने कहा कि भाई तुम्हें समझ नहीं आ रही। मेरे भाई ने कहा क्या हुआ? कि तुम्हारे इस घर में जिन्नात है, तेरे भाई को वो रहने नहीं दे रहे, पसंद नहीं कर रहे, तो अच्छा। तुम इसको छोड़ दो। अच्छा। अच्छा, जब उसने ये बात वाजिया लफ्जों में कही तो मेरे दिमाग में वो सारी बातें घूम गई जो मेरे साथ मुसलसल होती आ रही है।
हॉस्पिटल में आपको होश आया और फिर उन्होंने स्टिच किए, ये सारा कुछ जो है ना इस ट्रीटमेंट के, उन्होंने कहा आप बच गए हैं, तो आपकी वेन्स हैं शुक्र है कि बच गई हैं, सिर्फ आपको दब आया, प्रेशर आया, कट गया था ये, लेकिन ऐसा नहीं आया कि हड्डी टूट जाए या कुछ। ये मामला मुसलसल मेरे घर में होते रहे। बेटी छत से गिर गई, बेटा वॉशरूम से नहा के निकला तो टाइलें लगी हुई थी, मैंने कहा बेटा भागना नहीं, आप स्लिप हो सकते हो। उसने कहा अच्छा बाबा। अच्छा वो चरपाई पे चढ़ा, चरपाई से उसने नीचे छलांग लगाई है, छलांग भी नहीं लगाई जैसे छोटे बच्चे करते हैं, करते हैं। सोफे से दूसरे सोफे पे चार पे, उसने चरपाई से नीचे छलांग लगाई और वो स्लिप हो गया। मेरा ये जुमला कहने के बाद और वो 3 दिन आईसीयू में रहा, उसको घर ले आए, फिर वो घर मुझसे छोड़ा नहीं जा रहा था। अच्छा। जिस महीने मैं सोचता था ना मैं इस घर को खाली कर दूं, उसी महीने बिजली का बिल कभी 35,000 आ जाता था, कभी 30,000, उससे अगले महीने 30,000 आ जाता था। मेरा यूजेज कुछ नहीं था, और जाके मैं मीटर चेक करता था तो यूनिट बिल्कुल ठीक होते थे कि 35,000 बिल बनता, एसी भी नहीं लगाया था मैंने, यानी कि वो घर मुझसे छोड़ा नहीं जा रहा था। अब आप बिल पे करेंगे तो छोड़ेंगे, जाहिर सी बात है, मैं उसके सारे मामला क्लियर करूंगा तो ही छोड़ूंगा ना। फिर एक वक्त आया, मुझे किसी ने बताया कि आप फला जगह चले जाए, वहां एक कारी साहब होते हैं, वो पैसे लेते हैं लेकिन वो ये काम कर देते हैं। मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, मैं आपको ये मसला हल कर देता हूँ, ये पानी बोतल में भर लें और जाके सारे घर में छिड़क दें, वो सारे भाग जाएंगे। अच्छा। अब मुझे यकीन नहीं था कि यार ये सारे कैसे भाग जाएंगे इतनी आसानी से, मैंने बहरहाल करना था अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। मैंने वो पानी जब छिड़का तो वो मुझे वाजिया तौर पर नजर आना शुरू हो गया। अच्छा, जिन? हाँ जी। अब वो ऐसे नजर आना शुरू हो गए। कितने लोग थे वो? वो तो काउंट नहीं कर सकता ना मैं, इतने ज्यादा नजर आए, इतने ज्यादा तादाद में थे कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। और उनके जो खुलिए थे ना, वैसे तो वो एक शेडो लगता है, जैसे धुआं होता है ना, धुआं, काला सिया धुआं, और इस तरह का शेडो होता है, और जैसे ये बताते हैं कि जी सुर्ख आंखें थी या पीली आंखें, ऐसा कुछ दांत बाहर थे, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा ना। अच्छा। दांत बाहर देखे। अच्छा। सिर्फ मैंने धुएं देखे जो मेरे पास आते थे, मुझे उठाते थे और कभी मेरी टांग पकड़ के यूं खींचते थे। अच्छा। तो मैं उठ के यूं देखता था और मैं फिर फौरन इधर कुर्सी पड़ता था, तो बकायदा मुझे नजर आता था कि वो अभी वापस जा रहे हैं और इस तरह यूं सीढ़ियां ऊपर चढ़ गए। अच्छा। ये बेगम को पता सब पता, बेगम को भी पता था, बेगम अच्छा। भी मेरे साथ पढ़ाई करती थी। हम अपने छोटे बेटे को जब अच्छा मेरा बेटा उसी घर में पैदा हुआ। अच्छा। हाँ जी, जो वो 6 मंथ की जो प्रेग्नेंट लगा था। अच्छा। उसी घर में पैदा हुआ, लेकिन हम उस बेटे को जो माए झूला बनाती ना चारपाई के साथ, उसमें नहीं लिटा सकते थे। जिस वक्त हम उसको झूले में लिटाते थे वो ऐसी चीखे मारता था कि जैसे उसको कोई चीज और नजर आ रही है, और वो ऐसा तब से करता था जब वो तकरीबन 3 माह का था, झूले में हम उसको लिटा के, उसकी वालदा किचन में काम कर रही थी और मैं घर पे नहीं था, तो वो सोते सोते डरा। तो उसके बाद वो आज तक झूले में हम उसको मजाक में भी लिटाते हैं ना तो वो चीखे मारने लगता। अच्छा। इसी तरह मेरी बेटी के साथ मामला था, मैं अक्सर पानी की बोतल फिल्टर से लेके लेने जाता था तो नीचे वाला पोर्शन हमारा खाली था। अच्छा। उधर कोई किराएदार नहीं आया फिर? नहीं आए उसके बाद। अच्छा। दो किराएदार आए, दोनों ही छोड़ के भाग गए, मुझसे पहले वो निकल गए लेकिन मेरी नहीं जान छूट रही थी वहां से। अच्छा। तो वो जब नीचे वाला पोर्शन दोबारा खाली हो गया तो मेरी बेटी मुझे कहने लगी बाबा आप जा रहे हैं तो मैंने भी जाना साथ। मैंने कहा बेटी मैं पानी की बोतल भर के लाऊंगा, आपको कैसे बाइक पे बिठाऊंगा, पानी की बोतल आ जाएगी आगे। हाँ। मैंने कहा आप ना ऊपर जाए मैं आता हूँ फिर अपनी बेटी को लेके जाऊँ। तकरीबन मुझे 20 मिनट लगे होंगे पानी की बोतल भर के वापस लाने में। ठीक है। जब मैंने दरवाजा अनलॉक किया तो मेरी बेटी जिस जगह मैं छोड़कर गया था वैसी ही खड़ी थी, और एज अ स्टैचू खड़ी थी, और उसका चेहरा का जो कलर था ना वो बिल्कुल चेंज था, आंखें उसकी बिल्कुल खुली हुई थी और वो मुझे घूर रही थी बहुत ही शिद्दत के साथ। अच्छा। तो पहले तो मैंने उसको प्यार किया, मैंने कहा मेरी बेटी अभी तक यहाँ खड़ी, आप ऊपर नहीं गई। अच्छा। तो वो मुझे फौरन रिस्पॉन्स करती थी लेकिन उस दिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अच्छा।
जब मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा और वो जिस शिद्दत से मुझे घूर रही थी ना, तो मुझे फौरन महसूस हुआ कि ये इस वक्त खुद नहीं है. और ये 20 मिनट एक वीराने में सीढ़ियों में जो निचला पोर्शन बिल्कुल खाली था वहां खड़ी रही है. और वालदा को पता है कि वो आपके साथ गई? वालदा को ये पता था वो मेरे साथ. ठीक है. वो तकरीबन उसके बाद 2 माह शदीद बीमार रही, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा लाहौर का, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, उसका फीवर ही नहीं उतार रहा था. आखिरकार किसी शख्स ने मुझे बताया कि फला जगह शादरे जाएंगे, वहां पे एक हाफिज साहब है, आप उनसे मुलाकात करें तो आपका ये मामला किसी हद तक ठीक हो जाएगा, बल्कि कवर हो जाएगा. मैं उनके पास गया, उन्हें मैंने जाके सारा बताया. अच्छा, इस दौरान मेरे सारे कारोबारी मामला जो थे ना वो जीरो हो चुके थे. ठीक है. काम बंद हो गया था, जो जॉब कर रहा था वो खत्म हो गई थी, यानी कि हर तरफ से तंगी मुझे घेर चुकी थी. हाफिज साहब के पास गया, उन्हें मैंने जाके सारा बताया. मैंने कहा जनाब ये मामला था, बहुत परेशानी में मुबतला, उनको मुझसे कुछ लगाव हो गया, कोई हमदर्दी हो गई. अच्छा. उन्होंने मुझसे तो कोई उजरत नहीं ली, वैसे वो उजरत लेते भी नहीं है. उन्होंने मेरा ये तोड़ किया, मेरी बेटी की तबीयत बहाल हुई, वो बिल्कुल ठीक हो गई. ये मामला पहले बेगम के साथ थे और जबकि आपने उनको छोड़ भी दिया था फिर भी आपके साथ ही रहे, आपको ही नापसंद किया जा रहा था, आप तो उनकी जिंदगी से निकल चुके थे. बस कहीं ना कहीं ये आंसर तो शामिल था ना कि मैंने उसको बर्बाद किया. अच्छा. अब देखिए, समझती तो वो भी इस बात को थी ना कि कहाँ पे क्या मामला है, जब वो मुझे खुद ही गाइड कर रही है कि अब मेरे साथ जो मामला थे वो आपको पसंद नहीं करते, तो फिर उसको ये भी तो समझना चाहिए था ना कि जो मेरे साथ हो रहा है या मैं जो डिवोर्स कर रहा हूँ उसके पीछे भी तो कोई वजह होगी ना, कोई वही मामला हो सकते हैं ना. अच्छा. तो ये सारे मामला थे. मैंने उसके बाद इस पर बहुत रिसर्च शुरू कर दी. ठीक है. दिन रात मैं इस पे रिसर्च करता था, जिन्नात पे, ये कि क्या होते हैं, कौन सी किस्म है, कौन सी नस्ल है, कहाँ रहते हैं, किस तरह रहते हैं, किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं और इनसे बचना कैसे है, फायदा भी पहुंचाते हैं कि नहीं, फायदा भी पहुंचाते हैं, कैसे पहुंचाते हैं, इनसे दोस्ती कैसे करनी है. ठीक है. जिन्नों से दोस्ती? जिन्नों से दोस्ती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं. अच्छा. आपने फिर की? नहीं, मैं तो खैर इतना बड़ा आमिल नहीं हूँ. जी. तो ये है कि जो मेरे साथ, जिनकी मैं शफकत में हूँ, जिन्होंने अच्छा. मेरे सर पे, मेरी कमर पे हाथ रखा हुआ, मौलाना साहब, उनकी अता थी, थोड़ी बहुत अता, जिससे मुझे ये चीजें नजर आती. अच्छा. और मुझे फौरन पता चलता अगर कोई इंसान भी इस चीज में शामिल होता है ना, वो भी मुझे फौरन महसूस होता है कि इसके साथ कोई ना कोई. अब आपको जिन नजर आते हैं, यानी कि आपको महसूस होते हैं कि हैं? बिल्कुल होते हैं. अभी अभी रिसेंटली 2 माह पहले की बात है, मेरी बहन रहती है तो उसकी बेटी के साथ एक इशू हो गया था, वो कॉलेज जाती. अच्छा. तो उसके ऊपर वो जो हाजिरी होती है आपने सुना होगा, वो वहां होने लगी तो उसने मुझे कॉल की कि मामू मुझे आपकी जरूरत है, आपकी मदद चाहिए. रिश्तेदार है हमारे. मैं वहां गया हूँ तो वो चीज मेरे सामने उसमें हाजिर हो. अच्छा. उसने मुझसे बहुत सारी बातें की, इस तरह बातें की, मुझे वो जिन ही था. वो जिन ही था. अच्छा. वो आपसे बातें करने लगा? वो बातें करने लगा मुझसे. उसमें बकायदा हाजिरी होगी, उसकी आवाज चेंज हो जाती थी. अच्छा. और उसने मुझे कहा कि जो तेरे साथ मामला है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. अच्छा. तो मैंने कहा छोड़ दो बच्ची की जान. उसने कहा नहीं, मैं जान नहीं छोड़ सकता, मुझे ये पसंद है. अच्छा. तो मैंने कहा फिर कोई और हल करना पड़ेगा. तो उसने कहा आपको कोई और ही हल करना पड़ेगा, वरना मैं जान नहीं छोड़ूंगा इस आपकी भांजी की. ठीक है. तो इस तरह के बहुत सारे मामला लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ हुए, वो मुझे बुलाते रहे. तो मैं कोई आमिल नहीं हूँ, मैं कोई इसका इलाज नहीं जानता, लेकिन मुझे जस्ट महसूस हो जाता ऐसा मामला है, या किसी घर में एंटर होता हूँ तो भी मुझे महसूस होता है कि ये इधर ये मामला. फिर आपकी जिंदगी वापस कैसे आई और आपने वो घर कैसे छोड़ा और आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही मामला आते और हमारे जिन आए तो आपस में मामला. बड़ी मुश्किल से जान छुटी जब वो उसका तोड़ करवाया गया घर में. तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है हाँ वो ये है, जब मुझे पता चला, मौलवी हजरात मुझे बताना शुरू हुए कि इस घर में ये मामला है. ठीक है.
तब मैं घर में उस बंदे से मिलने गया जिसने मुझे घर वो रेंट आउट किया था, आपका जो मालिक मकान था, ठीक है। उसने मुझे घर में बिठाया, बड़ी इज्जत करता था। उसकी वाइफ किचन में चाय बना रही थी, उससे मैंने कहा जी आपने मेरे साथ धोखा किया। आपको ये एहसास होना चाहिए था कि जैसे आपके दो छोटे बच्चे हैं, मेरे भी दो छोटे बच्चे। तो उसने कहा हुआ क्या? मैंने कहा आपको पता है मैं कहाँ से क्या बात कर रहा हूँ? तो मैंने कहा आपके घर में मामलात हैं, जिन्नात थे, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तो उसने मुझे कहा कि देखें हर घर में होते हैं। अच्छा, उसने मुझे कहा हर घर में होते हैं, कोई हमारे घर में कोई अलहदा बात नहीं थी। यानी कि उसका कहने का मकसद है कि हर घर में जिन होते हैं, उस मालिक मकान का कहने का, ठीक है, यही मकसद था। अब वो अपना जो मौकफ था ना वो पूरी दुनिया पे डाल रहा था ना, हर घर में होते हैं। हाँ। अगर मैंने आपको घर दिया तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपने फिर फौरन छोड़ा भी क्यों उसको? मैंने जब उससे पूछा तो उसकी बेगम जब चाय लेके आई तो मुझे कहने लगी कि काशिफ भाई आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप फौरन हमारा घर खाली कर दें। मैंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप कितना अरसा रहे वहाँ? तकरीबन 2.5 साल। अच्छा, 2.5 साल आपने? 2.5 साल या 2 साल, लेकिन 2 साल 2.5 साल मैं मुसलसल एक अजियत में मुबतला रहा और वो अजियत अभी तक मेरे साथ जुड़ी। अच्छा, अभी भी कहीं ना कहीं वो मुझ पर हावी हो जाते हैं, दोबारा से आते हैं, तंग करते हैं जब कोई पढ़ाई शुरू करते हैं या कोई और मामला करते हैं, या मैं आपकी कॉल करके बताता हूँ तो वो फिर मामला किसी हद तक कंट्रोल हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जी मैं बिल्कुल क्लियर हो चुका हूँ, जान छुट गई है। अच्छा, ऐसा नहीं है। अभी मुझे उन्होंने मना किया हुआ कि आपने ये चीजें नहीं खानी, लाइफ टाइम नहीं खानी। उन्होंने कहा? जिन्होंने कहा? नहीं नहीं, जिनसे मैं, अच्छा, जिनसे इलाज करा रहे हैं उन्होंने कहा लाइफ टाइम आपने ये 2-4 चीजें जो नहीं खानी। तो मैं वो नहीं खाता, लेकिन मैं जब खा लेता हूँ मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे महसूस होता है मेरे घर में आ गए सारे। कहता वो बताते हैं कि हम आ गए हैं, चीजें गिराते हैं। अच्छा, बच्चे डरते नहीं आपके? बच्चे मेरे साथ रह रहे के आदी डरते हो तो है, लेकिन आदी हो गए। अभी जो वो दूसरा मामला था, वो दूसरी बच्ची में जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, तो तब बच्चों के सामने उस पर हाजिरी हो रही थी, बच्चे बैठे थे, मैं उनको कहता था बाहर चले जाओ, मेरी वाइफ बच्चों को लेके बाहर चली जाती थी। हुँ? तो मैं उसके साथ आमने सामने बैठ के बात करता था, हम कलाम होते थे। हाँ, बिल्कुल होता था। और मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं कि वो जो मुझसे बात कर रहा है और बच्ची में हाजिर है। वो अभी सुना सकते हैं आप? नहीं, इस वक्त मेरे लैपटॉप में है, मेरे मोबाइल अच्छा, में नहीं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग जिनकी हो गई हो जाती है, शक्ल नहीं आती, आवाज तो आ रही है ना। नहीं तो जिनकी आवाज आ जाती है कोई मसला नहीं है। वो आप, अगर आप में एंटर हुआ ना तो आप के लबो लहजे में बात करेगा, सिर्फ आवाज चेंज हो गई। आप यकीन करें वो इस तरह मुझसे बातें करता था कि मैं उसको एक मोहल्ले में कारी था, बड़ा मशहूर कारी था वो, जिन्नात को काबू करने वाला, उसके पास ले गया। अच्छा, बच्ची को बाइक पे पीछे बिठा के, ठीक है। तो वो बच्ची वहां जाके, जो बच्ची में वो चीज हाजिर थी, वो कहती कि इसके पास तो मोकिल नहीं है, ये मेरा क्या इलाज करेगा, इसको तो मैं पेंडल गाऊंगी। तो यानी कि इस हद तक वो मुझसे बातें करता। कितने साल हो गए आपको जिन्नों के साथ रहते हुए? ये समझ लें जब से जवान हो, जब से मैं कॉलेज जाता था। नहीं, कितने साल पुरानी बात है, कितने साल? 2004 की बात है, 2004। 20 साल से आप जिन्नों के साथ रह रहे हैं? हाँ, मैं ये समझ लें आप, 2004 से जब मैं कॉलेज गया था तब से मेरे साथ ये मामला शुरू हुए थे। जब मैंने मोहब्बत की शादी की तब तो ये मजबूत कर चुके थे जड़े। पाकिस्तान के बड़े नामवर जो आलमे दीन थे ना, मैं उनके पास गया था इस्तखारा कराने, उन्होंने भी मुझे सख्ती से मना किया था। तो फिर आपने क्यों शादी की? आपको पता है जो टीन एज होती है ना, हाँ, ये बड़ी खुदसर होती है और ये वही करती है जो इनके लिए बुरा होता। अच्छा, आप बच्चे को रोकते ना, वो कहेगा ये मेरा दुश्मन है, मुझे सही गाइड नहीं कर। जब तक वो खुद नुकसान नहीं कर लेगा, खुद तजर्बा नहीं कर लेगा, मोहब्बत की शादी से पीछे नहीं हटेगा। तो ये सारे मामलात मैंने लाइफ में देखे। और ऐसा भी हुआ है कि मैं सो रहा हूं तो अच्छा, उनमें कुछ फीमेल भी होती है। अच्छा, ये जो जिन्नात होते हैं इनमें फीमेल भी होती है, वो बकायदा उठाती हैं और तंग करती हैं मुझे। कई बार उन्होंने तंग किया तो मैंने शिकायत भी की है उनके जो जिन्नात हैं उनसे।
नहीं मैं अच्छा। उनसे तो नहीं कर सकता क्योंकि देखिए हम इनको ना मार भी सकते हैं अच्छा। कैद भी कर सकते हैं लेकिन ये जितने भी आमिल हैं ये इनको ना मारते हैं, मारते इसलिए नहीं कि इनका भी पूरा एक कबीला होता। अच्छा। अब हमारे बच्चे को कोई पकड़ के बिठा लेगा तो हम उसके पीछे नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल जाएंगे। अगर वो गलती कर रहा है तो हम उसे पूछेंगे कि इसने गलती की थी तो हमें बताओ। तो इसी तरह इनके मामला। तो वो मुझे मालिक मकान ने फिर कबूल किया कि उधर 25 से 26 हजार की तादाद में जिन्नात है। मैंने कहा आपको कैसे पता? उसने कहा कि मैंने इसको तोड़ करवाने की बहुत बार कोशिश की है लेकिन उनका जो कबीले का सरदार है ना जिन्नों का, हाँ जिन्नों का, वो ये ऑफर रखता है कि ये जो 10 घर है ना तुमने मंदिर के ऊपर बनाए हैं, हर घर वाला एक देख दे एक साथ एक दिन तो हम तुम्हारी जान छोड़ दें। ये क्या लॉजिक हुई? बस उनकी शर्तें होती हैं इस तरह की, वो जिन्नात ऐसी शर्तें रखते हैं। अब एक बात बताएं कि तकलीफ आपको है तो मैं देख क्यों दूंगा? मैं तो नहीं दूंगा ना, चाहे मैं आपके साथ वाले घर में रहूं। अगर चार बंदे यकीन कर रहे हैं तो पांचवा नहीं यकीन करेगा। वो कभी एक जगह वो एक इस पे यकीन रखते ही नहीं है वो सारे मोहल्ले वाले। तो वो अकेला ही 10 देके पका दे कि नहीं? वो इस चीज पे नहीं अग्री होते ना। उसने कहा था कि आपको जो चाहिए मैं देता हूँ। हाँ। उन्होंने नहीं, हमारी शर्त है कि इस जगह 10 घर बने, 10 के 10 हमें देंगे तो हम जान छोड़ेंगे। अच्छा ये सारी बातें मुझे बताई है मकान मालिक ने जब मैंने उससे जाके ये गिला किया कि आपने पहले क्यों नहीं गाइड किया, मेरे भी तो छोटे बच्चे हैं। जब आपके छोटे बच्चे हैं आप फौरन भाग गए, मेरी वाइफ को करंट लगा, उसके 2 दिन बाद आप घर छोड़ के भाग गए, आपको खतरा था तो आप भागे, और आपने मुझे ये भी नहीं बताया कि अगर उसको करंट लगा था तो करंट लगाने वाले कौन थे या बचाने वाले कौन थे, यानी कि जिन्होंने करंट लगाया। ये अल्लाह बेहतर जानता है, मैं नहीं कहता कि उन्होंने लगाया, लेकिन आप ये देखे ना कि 5 मिनट करंट लगा रहा। हाँ। ये भी तो हैरानी वाली बात जी। डॉक्टर भी हैरान है, डॉक्टर भी हैरान, इनकी जान कैसे बचे? कैसे बचे? क्या पैगाम देना चाहेंगे जो अक्सर औरतें जो कहती हैं हमें हमने चड़ेलें देखी, हमने जिन्नात देखे, हमारे साथ जिन है, वो ऐसे कर देगा, ये ऐसे लोगों जो झूठ भी बोलते हैं और झूठ के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और पैसे लूटे जाते हैं। देखिए जी, अल्लाह पाक ने जिन्नात तो बनाए हैं, बिल्कुल, ये सारी मखलूकात, हमारा ईमान है सारी मखलूकात है और ये तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं, जैसे हम लोग रह रहे हैं ऐसे ये लोग ये मखलूक रहती है, ठीक है। और सारे ऐसे नहीं है कि नुकसान पहुंचाएं और सारे ऐसे भी नहीं है कि नुकसान ना पहुंचाएं। शायद 3 जो होते हैं ना शैतान जिन, वो आपको शरारते करते हैं, उसके पीछे भी हमारी अपनी कुछ गलतियां होती हैं जो ये तंग करते हैं। जैसे अब हम रास्ते में जा रहे हैं, हमें इस्लाम में हुक्म दिया गया कि आपने उल्टे हाथ की तरफ थूकना। हाँ जी, ऐसे ही है ना जी। हम रास्ते में जा रहे हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं बाइक पे जा रहा हूँ, मुझे थूकना, मैंने एकदम थूक दिया। अब वहां से कोई मखलूक गुजर रही है, मुझे नहीं पता ना, मुझे नजर आ रही, अगर वो उसके ऊपर गिरा और वो चिढ़ गई तो उसने गुजरते गुजरते ही आपको ऐसी कोई ना कोई शरारत कर देनी जो आपको समझ भी नहीं आएगी, आप बीमारी में भी मुबतला हो जाएंगे, परेशानी में मुबतला हो जाएंगे, और वो ये शरारत करके चली जाएगी क्योंकि उसके साथ आपने शरारत कर दी जी। वॉशरूम में जाते हैं हम लोग, उसकी एक दुआ, ठीक है ना, हम दुआ नहीं पढ़ते जी, बिल्कुल। जब हम दुआ पढ़ के नहीं जाते तो वहां जो शैतान बैठे हैं, जिन बैठे हैं, शैतान जिन, वो आप पर हावी होते हैं। जब आप वो वॉशरूम जाने की दुआ पढ़ लेते हैं तो जो दूसरे जिन होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। कुछ एहतियातें हैं जिन पर हम फॉलो करें तो इन मसलों से बच सकते हैं जी। कोई भी काम शुरू करते हैं सबसे पहले बिस्मिल्लाह, जिक्र अज़कार, अल्लाह का जिक्र, घर में दाखिल होते हैं तो, और वॉशरूम जाते हुए जो वॉशरूम जाने की दुआ है, निकलने की दुआ है, वो आप पढ़ें तो आप इन चीजों से महफूज रहेंगे। सबसे मेन चीज जो हम एहतमाम नहीं करते, कपड़े बदलते हुए हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अक्सर नहीं पढ़ते, तो इसकी एहतियात जरूरी है। मगरिब के बाद घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर दें। अच्छा जी, अल्लाह पाक जो दूसरी मखलूकात है मगरिब के बाद नीचे उतार दें। रात बनी इनके लिए, हमारे लिए तो आराम के लिए बनी ना, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट चेंज है। मगरिब के बाद तो हम शॉपिंग पे जाते हैं, तो मगरिब के बाद ही हम नुकसान भी तो हम लोग ही उठाते हैं ना।
घरों से बाहर जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम बीमार क्यों हैं, हमारे साथ परेशानियां क्यों हैं, इनके पीछे क्या वजूहत है। या तो आपका कनेक्शन अल्लाह पाक से इतना मजबूत होना चाहिए कि किसी दूसरे शख्स की गुंजाइश ना हो, तो फिर ये चीजें आपको नहीं तंग कर सकती। हमारा ताल्लुक भी तो अल्लाह पाक से इतना मजबूत नहीं होता ना, तो अल्लाह पाक ने उसके लिए हमें बहुत सारी आयतें बताई हैं, सूरतें उतारी हैं, उन पर अमल करके हम इनसे बच सकते हैं। तो बाकी ये हर घर में होते हैं, इसमें इनसे डरना नहीं चाहिए। अल्लाह पाक ने इंसान को सबसे ज्यादा ताकतवर मजबूत बनाया जी जी, और मुसलमान को तो वैसे ही अफजल बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, बिल्कुल इसीलिए हम अफजल हैं, और आपके बच्चे अब सेफ हैं, बेगम भी सेफ है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, सारे मामला तब बहुत बेहतर है, अल्लाह का करम है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आइंदा भी सारे मामला ठीक आए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, अगेंस्ट करें या फेवर में करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिन्नों और इंस का जिक्र कुरान पाक में है, तो ये हर घर में होते हैं, ये मालूम कान का भी कहना है और इन्होंने भी कहा, लेकिन हमें कुछ एहतियातें बरतनी चाहिए। वाकई मगरब के बाद जो है हम बाहर निकल जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, छोटे बच्चों को बाहर, और देखा जाए तो हर इंसान ही बीमार है आजकल, हर इंसान ही परेशानी का शिकार है, क्योंकि हम अपने अल्लाह से बड़ा दूर हैं और हम उसकी रस्सी को मजबूती से थाम नहीं रहे। अल्लाह हाफिज़।